किसान आंदोलन के दौरान 26 जनवरी को हुई घटना के बाद आंदोलन की छवि खराब करने के लिए लगातार भ्रामक नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं। अब कई फेसबुक और ट्विटर यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि आंदोलन में शामिल मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति ने आज तक की एंकर नवजोत रंधावा के साथ छेड़खानी की। दावे के मुताबिक आज तक ने यह न्यूज इसलिए दबाई क्योंकि आरोपी अल्पसंख्यक समुदाय से था। वायरल हो रहा मैसेज कहता है कि नवजोत रंधावा आज तक चैनल में एंकर हैं। 26 जनवरी पर किसानों की ट्रैक्टर रैली को कवर करने के लिए वो सिंघू बॉर्डर गई थी। वहां पर एक सिख युवक इनके पीछे पड़ गया। जब वो सिंघू बॉर्डर से लाल किला आ गई तो पीछे पीछे वो युवक भी आया, जहां उसने छेड़खानी शुरू कर दी। वायरल पोस्ट के मुताबिक नवजोत ने इसकी शिकायत लाल किला पर प्रदर्शन में शामिल कुछ सिख युवकों से की, जहां बात बढ़ गई और मारपीट शुरू हो गई। मारपीट के दौरान छेड़खानी करने वाले की पगड़ी खुल गई और पता चला कि वो सरदार नहीं है। जब पकड़कर पूछताछ की गई तो पता चला कि वो कोई अब्दुल मियां थे, जो सरदार बनकर रैली में शामिल हुए थे। वायरल मैसेज ये भी कहता है कि चैनल ने अपनी एंकर के साथ हुई छेड़खानी की खबर दबा दी क्योंकि आरोपी मजहब विशेष से था। स्वयं सेवक समेत कई फेसबुक यूजर्स ने नवजोत की तस्वीर का इस्तेमाल करते हुए ये दावा शेयर किया और हजारों फॉलोअर तक इसे पहुंचाया। असलियत यह है कि तस्वीर में दिख रही महिला असल में आज तक एंकर नवजोत रंधावा ही हैं, लेकिन उनसे जुड़ी यह कहानी पूरी तरह फर्जी है। ऑल ट्यूज ने नवजोत रंधावा से संपर्क किया। उन्होंने हमें बताया कि सोशल मीडिया का दावा निराधार है और फर्जी है, और 26 जनवरी को उनके साथ ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई जो वायरल टेक्स्ट में बताई जा रही है। यानी मतलब साफ है कि पत्रकार नवजोत के बारे में यह मनगढ़ंत कहानी बुनी गई कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति ने उनके साथ छेड़खानी की। ऑल्ट न्यूज ने पहले भी ऐसे फर्जी दावों के बारे में खुलासा किया है, जब मुस्लिम समुदाय पर किसान आंदोलन में घुसपैठ करने के गलत दावे किए गए थे। इन सभी दावों की असलियत आप हमारी वेबसाइट altnews.in पर जाकर तफसील से पढ़ सकते हैं।